रविवार की कथा सुनने से नवग्रहों के राजा सूर्य भगवान होंगे खुश। सभी कष्टों व संकटों से हाथों हाथ मिलेगी मुक्ति। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको भगवान सूर्य देव के रविवार की कथा सुनाने जा रहे हैं। नवग्रहों में सूर्य भगवान को राजा माना गया है और प्रत्यक्ष देवता के रूप में पृथ्वी पर प्रत्येक दिन दर्शन देने आते हैं और जितने भी देवी देवता है उनमें यदि साक्षात कोई देवता प्रत्येक दिन हमको दिखाई देते हैं तो वो सूर्य भगवान है और सूर्य भगवान को पृथ्वी के साक्षात देवता माने जाते हैं। रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन है और नवग्रहों के राजा है। सूर्य भगवान की कृपा से मनुष्य स्वस्थ रहता है, दीर्घायु को प्राप्त करता है और उसे जीवन में यश मिलता है, पद मिलता है, धन मिलता है और उसके जीवन की प्रत्येक अभिलाषाओं को भगवान सूर्य नारायण पूरा करते हैं। यदि आप रविवार का व्रत करना चाहते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि रविवार का व्रत तुरंत फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि सभी व्रतों में रविवार का जो व्रत है सबसे तब माना गया है, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता जब सूर्य नारायण पृथ्वी पर प्रत्येक दिन हमें आकर के दर्शन देंगे तो हम सूर्य भगवान की प्रार्थना करेंगे या रविवार का व्रत करके पूजन पाठ करेंगे तो निश्चय ही हमें तुरंत परिणाम की प्राप्ति होगी। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। राजयोग की प्राप्ति के लिए, उच्च पद की प्राप्ति के लिए तथा जीवन में मान सम्मान और सब कुछ यदि आपको प्राप्त करना है तो रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य को मिलना शुरू हो जाता है। रविवार का व्रत करने से पितृ देवता प्रसन्न रहते हैं, साथ ही हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भी रविवार का व्रत करने से समाप्त होते हैं। सूर्य भगवान का जो वार है वह रविवार है। रविवार का व्रत यदि आप करना चाहते हैं तो किसी भी रविवार से आप रविवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं और यह व्रत 30 रविवारों तक लगातार करना चाहिए और उसके बाद उद्यापन करना चाहिए। 30 रविवार यदि आप नहीं कर सकते हैं तो केवल 12 रविवार करने के बाद भी इस व्रत का उद्यापन आप कर सकते हैं। रविवार के व्रत में सबसे पहला नियम यह होगा कि आपको सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान कर लेना है और एक तांबे के लोटे में जल डाल करके लाल चंदन, लाल कुमकुम और थोड़ा सा गुड़ या फिर शकर या लाल फूल उसमें डाल करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाना है। अर्घ्य उस समय देना चाहिए जब सूर्य की लालिमा दिखती हो। तो सबसे पहले आप सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाएं, उसके बाद उनको नमस्कार करें, प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद सूर्य भगवान के सामने हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि हे प्रभु सूर्य नारायण भगवान, मैं आज से रविवार का व्रत प्रारंभ करने जा रहा हूं या जा रही हूं और मुझे जीवन में यश देना, स्वास्थ्य देना और धन धान्य संपत्ति देना तथा जो भी आपकी कामना हो वह मन में उच्चारण करें। उसके बाद गंध अक्षत पुष्प से भगवान सूर्य नारायण का पूजन पाठ करें और पूरे दिन भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करते रहें। ध्यान रखें, इस व्रत में आपको भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए सात्विक भोजन एक समय करना चाहिए। या तो दिन में दोपहर के समय भोजन कर ले या शाम को भी आप भोजन कर सकते हैं या फलाहार भी कर सकते हैं। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी का उपयोग करना चाहिए। रविवार के व्रत में नमक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसमें नमक खाना वर्जित माना गया है। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप 12 रविवार तक या 30 रविवार तक सूर्य भगवान की इस दिव्य कथा को, रविवार के व्रत की कथा को यदि सुनते हैं तो भी आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। रविवार की कथा अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।
प्राचीन समय की बात है, एक वृद्ध बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके बुढ़िया स्नान करती थी और स्नान से निवृत्त होकर के आंगन को गोबर से लीप करके स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुन करके सूर्य भगवान का भोग लगा करके दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था तथा धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देख करके उसकी पड़ोसन उससे जलन करने लगी, ईर्ष्या करने लगी। स्वाभाविक है, जब पड़ोसी की उन्नति होती है तो उसका पड़ोसी उससे ईर्ष्या करता है या जलन की भावना रखता है। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच करके अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीपने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और इस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी रही। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। अगले दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की जब आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देख करके हैरान हो गई। गाय को आंगन में देख करके उसने जल्दी से उसे चारा ला करके खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर में ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठा करके अपने घर में ले जाती थी। बहुत दिन हो गए, बेचारी सीधी सादी बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देख करके बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठ करके बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनवान बन गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भून करके राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देख करके राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने के गोबर को देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस बुढ़िया पर करुणा आ गई, दया आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में आकर कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा वैभव समाप्त हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः काल होते ही गाय और बछड़ा को बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर के बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष इस बुढ़िया की तरह रविवार का व्रत करें तथा उस दिन सूर्य देव का विशेष पूजन अर्चन करके उनसे प्रार्थना करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोग धन धान्य से परिपूर्ण हो गए और चारों तरफ राज्य में खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सभी सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए और राजा के राज्य में पूरी तरह सुख संपत्ति और शांति आ गई।
और उस पड़ोसन ने भी उस बुढ़िया के कहे अनुसार सूर्य भगवान का व्रत किया। उस पड़ोसन को भी भगवान सूर्य की कृपा से धन वैभव सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो गई और इस लोक में वह बुढ़िया तथा सभी लोग सुखों को भोग करके अंत समय में वैकुंठ लोक को चले गए। इस प्रकार सूर्य नारायण भगवान की इस कथा को जो कोई सुनता है या रविवार के व्रत को जो कोई भी श्रद्धा और निष्ठा से करता है उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं तथा उसके जीवन की जो भी मनोकामनाएं होती है जो भी मुरादें होती है वह तुरंत पूरी हो जाती है। बोलिए सूर्य भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। हम सभी मिलकर के भगवान सूर्य देव की आरती का गायन करेंगे। ओम जय 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 रवि देव स्वामी जय 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 रवि देव जय 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 रवि देव जय 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 रवि देव रजनीपति मदहारी शतदल जीवन दाता स्वामी शतदल जीवन दाता षडपद मन मुदकारी षडपद मन मुदकारी हे दीन मणि दाता। ओम जय 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 रविदेव जग के हे रविदेव जय 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 रविदेव स्वामी जय 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 रविदेव नभमंडल के वासी नभमंडल के वासी ज्योति प्रकाशक देवा स्वामी ज्योति प्रकाशक देवा निज जन हित सुख राशि तेरी हम सब सेवा स्वामी तेरी हम सब सेवा करते हैं रविदेव जय 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 रविदेव जय 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 रविदेव जय 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 रविदेव कनक बदन मन मोहित रुचिर प्रभा प्यारी स्वामी रुचिर प्रभा प्यारी निज मंडल से मंडित निज मंडल से मंडित अजर अमर छविधारी। ओम जय 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 रविदेव जय 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 रविदेव स्वामी जय 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 रविदेव। कहूँ लगी आरती दास करेंगे सकल जगत ताकी ज्योति विराजे सात समुद्र जाके चरणे बसे काह भयो जल कुंभ भरे हो राम कोटि भानु जाके नख की शोभा कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम भार अठारह रामा बलि जाके कहाँ भयो शिर पुष्प धरे हो राम छप्पन भोग जाके प्रतिदिन लागे कहाँ भयो नैवेद्य धरे हो राम अमित कोटि जाके बाजा बाजे कहाँ भयो झनकार कर ओ राम चार वेद जाके मुख की शोभा कहा भयो ब्रह्मा वेद पढ़े हो राम शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम हिम मंदार जाके पवन झकोरे कहा भयो शिव चंवर डुरे हो राम लख चौरासी बंद छुड़ाए केवल हर यश नाम देव गावो हो राम। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। रविवार का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को संतान की प्राप्ति होती है तथा उनका बांझपन दूर होता है। इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को धन यश मान सम्मान आरोग्यता एवं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह रविवार का व्रत है।
तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।